गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मेरा व्लॉग है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि आपको बताना चाहते हैं हम लोग एक न्यूज़ की, हम लोग कुछ एक नई जर्नी में जाने वाले हैं उसके रिगार्डिंग। तो अगर आपको पता करना है कि हम लोग क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, तो आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। उससे पहले मैं बताऊँगा कि अभी हो गया टाइम हमारा, कितना बज गया बज गया, बैक कैमरे से देख के दिखाते हैं। वो देखें आप, बज गया है 10:30। 10:30 बज चुका है और 10:30 बज गया, हमारा पूजा पाठ हो के, मेरा आज मंगलवार का व्रत भी है तो पूजा पाठ सब कर ली गई है और हमने मछलियों को भी अपना दाना दे दिया है और पानी फिल्ट्रेशन के लिए लगा दिया, लाइट अभी गई हुई है। उससे पहले हमने पी एक बहुत मज़ेदार कॉफ़ी जो रुचि ने बनाई थी। किसी को देखने वाली रील तो मेरे इंस्टाग्राम में जाके सन ऑफ सनातनी करके जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है उस पर जाके आप देख सकते हैं। और दूसरा एक अच्छी चीज़ क्या है बताऊं, अभी नीरज लोग उड़ा रहे हैं बाहर पतंग। आजकल लोगों को पतंग उड़ाने का शौक लगा पड़ा है तो मैं सोचा हूँ मैं भी पतंग उड़ाने जाता हूँ। पतंग उड़ा के आते हैं, थोड़ी सी बाहर जाते हैं और पतंग उड़ाते हैं फिर आ जाएंगे अंदर। और बाहर आने के बाद में मेरी चप्पल नहीं दिख रही है, बता रही चप्पल किधर चले गई है मेरी। देखो कितना मस्त मौसम हो गया है बाहर और गार्डन भी आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो गार्डन, ये जो पोल थे मेरे लाइट के, इनमें वाइट पेंट हो चुका है कल, बहुत अच्छा लग रहा है अब। और 2-3 दिन के लिए घर फिर खाली रहेगा, बुग्गू बैठी अपने बिस्तर पे और दास ब्रदर व्लॉग बना रहा है, अपना व्लॉग गेम खेल रहा है दास ब्रदर व्लॉग। और जो है ये मस्टर्ड, ये भी यहाँ बैठा है। तो गाइस ना ये मिल गई मेरी चप्पल, ये रखी मेरी चप्पल, हम ले लेते हैं चप्पल को। और एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया था, ये शूज तो मैंने अभी वहाँ जाने के लिए जर्नी के लिए निकाले हैं। ये कुछ प्लांट्स में अभी लाया हुआ था, याला इसको बोलते हैं ऑर्चिड। और ये एक याला, एक ही सूख गया रेड वाला, ये होता है, इसका नाम रुचि को बताया अभी, पनसुटिया कहते हैं वैसे, रुचि से भी पूछेंगे। और एक इंडोर का नया प्लांट आया था, एक ये भी लेके आया हूँ। और रोजेस के पेड़ प्लांट लाया था, वो भी आपको दिखाता हूँ। रोज़ जो लाया हुआ था, यहीं से चले जाता हूँ, रुचि भी डांटेगी चप्पल पहन के। ये देखो रुचि के किचन का काम हो रहा है। और अभी जो ये कप भर के मेरे को, वो कप कहाँ गया, इतना बड़ा पाइनएप्पल भी काटना है, ये भी खाना है। और ये कब भर के हमने कॉफ़ी पी थी, यम्मी यम्मी। रुचि के हाथ की कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही मस्त, उतनी मस्त कॉफ़ी तो कहीं पे भी नहीं मिलती है। मतलब हमारे यहाँ पे जो है वो है बरिस्टा, CCD सब बंद हो गया और जैसे और जगह भी कहीं नहीं मिलती वैसी कॉफ़ी। दिल्ली में भी हम लोग काफ़ी बैठ रहते थे तो वहाँ पे भी ऐसी कॉफ़ी नहीं मिलती है जैसे रुचि बनाती है। आपको दिखाता हूँ गार्डन, डॉग्स के ये भी हटा देते हैं, खाना खिलाया था रात को, अब इनको हटा देते हैं, इनको यहीं रख देते हैं। अब आने के बाद मैं याला पोर्शन सही करना है, गर्मी शुरू हो गई है, नई मछलियाँ लानी है और इसमें डालूंगा और इसको ठीक करूंगा। ये मेरे तुलसी वाला एरिया है, इसमें अवाकाडो का जो पेड़ था वो इतना बड़ा हो गया है। देखो जो अवाकाडो मंगवाया था इतना बड़ा, बकाया एक नई बेल ये लाया था, ये इस एरिया को पूरा कवर करेगी, यहाँ से यहाँ तक का कि एरिया को कवर करेगी। दूसरा जो आपको दिखाता हूँ रोज़ का, एक रेड ये है, येलो ये लाया एक, ये वाला बुग्गू ने तोड़ दिया पेड़ पूरा, इनमें भी फूल आया नहीं है। एक बेल ये लगाइए, एक रोज़ ये है, ये है एक, ये लेके आए हैं और एक येलो रोज़, एक येलो रोज़ लेके आए हैं, एक ये वाला लेके आए हैं, ये वाला, एक ये वाला। और दिखाता हूँ आपको, और ये देखो पोल मेरे लाइट के, गार्डन लाइट्स के पिलर है जो मस्त बिल्कुल। अब ये ना लाइट नहीं फिट हुई है इनमें, खाली पिलर ही पिलर है। और एक ये वाला, ये भी लाए थे, थोड़ा सा अलग कलर है शेर के। तो ये सब लाए थे। और देखो अमरूद कितने मस्त लगे हुए हैं,
अभी होंगे इतने बड़े, इनको कुछ दिनों बाद मैं वहाँ से जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से आने के बाद इनको मैं पॉलीथीन से कवर कर दूंगा, और अगर ये बचे रहेंगे मेरे अंत का ये तो टूट भी जा सकते हैं। और ये देखें कागजी नींबू पूरे मस्त हो गए, अब इनकी बस रस पीने का टाइम हो गया है। और बोगनविलिया मैंने छोटे प्लांट से इसमें शिफ्ट कर दी थी, बहुत मस्त लग गई है, आपको धूप पे दिखाता हूँ। ये देखो बहुत सारे कल्ले आ रहे हैं, ये वाइट वाली, और ये कुछ बोगनविलिया के मैंने इधर लगाए थे येलो थोड़ा ब्राउन टाइप के, ये भी सब और लग गए। तो वो देखो दिखाता हूँ आपको, पतंग वो उड़ा रहा है नीरज पतंग, ये देखो। तो मैं भी चलता हूँ पतंग उड़ाने, थोड़ी पतंग उड़ा के आते हैं। और मैंने सोचा है कि इनकी पतंग को मैं छोड़ दूंगा उड़ा के जोर जोर से ऊंची, अपने आप दौड़ लगाएंगे फिर। अबे ये भी तो खोल दे, मैं भी आ रहा हूँ। नीरज आ गया है, हम पतंग उड़ाएंगे, अर्जुन भी आ गया, देखो हम लोग पतंग उड़ाएंगे। ये देखो हम भी पतंग उड़ाएंगे। किसकी पतंग है, किसकी पतंग है? ये देखो ये है राहुल और ये है नागेश। ये देखो कितनी ऊंची पतंग उड़ाई है इसने, और हम लोग भी आ गए। अब ये देखो, जानते हैं इसको? हाँ। ये आपको बुद्ध विहार में दिख जाता होगा, सत्य बुद्ध विहार में भी। अबे उड़ा जोर जोर की, डर क्यों रहा है? डर रही है। तू तो वहां तक ले आनी चाहिए पूरा, तागा तो फिर आएगा। राहुल तू दौड़ लगा ना, ठीक है? वो देख रही है, देख कहाँ फंस गया, अभी आ जाएगी, निकल गई, ले निकल गई। हाँ ऊपर चढ़ा पूरी, ये देखो अभी नीरज उड़ा रहा है, पूरा सागा खत्म करेंगे अभी। अब तो बहुत तारे हैं, छोड़ दे रहा था, अभी उड़ाएंगे थोड़ी देर में, पूरा छोड़ दे, ले ऐसे पकड़, ऐसे छोड़ दे। देख चील आ गया, चील फंस जाएगा, रुक जा, फंस जा, फंस जा, फंस जा, फंस जा। मोबाइल में क्या हुआ? योर मत दे यार, बहुत दे दिया मैंने। वो देखो लिपकर ऊपर करता हूं, कहां है पतंग, पतंग को ढूंढ। हां ये देखो चील से भी ऊपर उड़ रही है पतंग, ये चील उड़ रहा है, दो दो भी हेलीकॉप्टर गया था ऊपर, जितना ऊपर पतंग है। वो देखो और कितनी ऊंची चली गई, देख एक तागा अलग निकला, एक तागा अलग, जल्दी चल साले और ऊंचा चल, भयंकर कितने ऊपर, नीचे करते हैं भैया को दिखाओ, चल और ऊंची चल जा, पतंग दिखाते रहो भी धागा से पूरा, बिना जूम करे तो पतंग नहीं दिख रहा भैया, जूम कर देखा भाई, हवा अच्छी मस्त, मेरे मकान की आवाज से झाड़ दी पतंग, पता है चील को भी दिखा दे, चील को, चील भी, चील के ऐसे ऊपर और पर चिपका है, काट दे चील को, काट दो, ये चील पतंग का पीछा कर रहा है, चील से भी ऊपर है ना भैया, चील से भी ऊपर, फंस गया। तो गाइस पतंग भी हमने उड़ा ली है और बच गए हैं 12। थोड़ी देर बाद ही हमें निकलना है मार्केट के लिए, क्योंकि 4:30 बजे हमारी ट्रेन है गरीब रथ। और आप को मैं लोकेशन बताता हूँ कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से जाएगी वो सीधे जम्मू कश्मीर के लिए। तो हम लोग जाने वाले हैं माता वैष्णो देवी के धाम जम्मू कश्मीर में, जम्मू कटरा। ट्रेन हमें छोड़ेगी जम्मू तक का, वहाँ से फिर टैक्सी या बस जो भी ले पाएंगे हम लोग वो लेंगे, और वहाँ से आएंगे हम कटरा। और शाम को ही कल 15 की शाम को हम लोग
मंदिर के लिए चढ़ाई करेंगे, मंदिर पहुंच के दर्शन करके फिर वहां से हम लोग जाएंगे भैरव बाबा मंदिर। और परसों 16 तारीख की रात को 8 बजे वापसी की हमारी फिर से ट्रेन है, और 17 तारीख को सुबह हम लोग पहुंच जाएंगे मुरादाबाद और दिन में पहुँच जाएंगे वापस घर। ब्लॉग बहुत लंबा बनने वाला नहीं है, ब्लॉग ख़त्म होने वाला है, बस हो गया। तो आप सभी लोग देखिएगा, हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे को माता वैष्णो देवी के दर्शन हम आपको करवाएंगे। तो जय माता दी कहते हैं और लेते हैं आप लोगों से विदा। अगला ब्लॉग जहाँ पे भी हमें नेटवर्क अवेलेबल हो पाएगा अच्छा वहाँ करेंगे, क्योंकि जम्मू में तो हमारे फ़ोन बंद हो जाते हैं, वहाँ पे सिम हमारा चलेगा नहीं। अगर नेटवर्क मिलेगा दूसरा तो मैं अपडेट करूँगा, अदरवाइज़ वहाँ से निकलने के बाद ही अपडेट हो पाएगा। बाय बाय।